भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। भारतीय टीम आज तक साउथ अफ्रीका की धरती पर टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। अब टीम इंडिया में कई मैच विनर खिलाड़ी शामिल है, ऐसे में विराट कोहली की जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ प्लेइंग 11 में भी विराट कोहली ने बहुत ही बड़े बदलाव करने का मन बना लिया है। कप्तान कोहली दो खिलाड़ियों को बाहर कर रास्ता दिखाएंगे तो कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने जा रही हैं। तो वहीं पर आइए जानते हैं पहले टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहे। खैर, अब ये जानने से पहले कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन सी बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और किन बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पहला टेस्ट मुकाबला साउथ अफ्रीका का गढ़ है सेंचुरियन और टीम इंडिया की बढ़ रही है टेंशन। विराट कोहली की कप्तानी में तो टीम यहां तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगी और काम करने की कोशिश करेंगी जो अभी तक नहीं हुआ है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज अपने नाम की है, लेकिन साउथ अफ्रीका में अभी तक उसके टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम इस चाहत इसके को खत्म करना चाहेंगी, लेकिन उसकी ये राह आसान नहीं है। उसके सफर की शुरुआत ही ऐसी जगह से होने जा रही है जहां साउथ अफ्रीका का दबदबा रहा है। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका दौरे पर 26 दिसंबर से मैच शुरू करेंगी। मैदान सेंचुरियन है, ये वो मैदान है जो साउथ अफ्रीका की टीम का गढ़ रहा है। इस मैदान पर साउथ अफ्रीका को हराना आसान नहीं रहा है। साउथ अफ्रीका ने इस मैदान पर अभी तक 26 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 21 मैचों में जीत हासिल करी है और सिर्फ दो मैचों में उसे हार मिली है। वहीं भारत की बात की जाए तो इस मैदान पर उसके लिए चिंता की एक और बात है, वो कि भारत ने बीते 10 साल में यहाँ दो बार टेस्ट मैच खेले हैं और दोनों में उसे हार का मुंह देखना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में अब कुछ बड़े बदलाव, मैच विनर खिलाड़ी भी शामिल है। तो आइए जानते हैं टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में कप्तान विराट कोहली ने क्या बड़े बदलाव किए हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा चोटिल होने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से बाहर है, ऐसे में धाकड़ बल्लेबाज केएल राहुल और मयंक अग्रवाल की जोड़ी मैदान पर ओपनिंग करते हुए देखी जा सकती है। मयंक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार शतक लगाया था, वह बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। वहीं राहुल अपनी क्लासिक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पर नाम चेतेश्वर पुजारा का आता है, उन्हें मौका दिया जाएगा क्योंकि पुजारा कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। चौथे नंबर पर कप्तान विराट कोहली का उतरना तय है, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में गिने जाते हैं। उन्हें कप्तानी छाटने के बाद वो बड़ी पारी खेलने के लिए बेताब होंगे। तो ये पांचवें नंबर के लिए मैदान में कई दावेदार हैं। भारत के पूर्व उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं। रहाणे काफी दिनों से अपनी लय में नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आतिशी शतक लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम को बहुत ही फायदा होता है, ऐसे में कोहली इस बल्लेबाजी को टीम में शामिल कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से ऋषभ पंत ने टीम इंडिया के लिए कई बड़ी पारियां खेली हैं। फिलहाल वह भारत के नंबर एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, वह लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। साउथ अफ्रीका की पिचें हमेशा ही तेज गेंदबाजों को मददगार होती है, ऐसे में भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकता है। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आ सकते हैं, वह धाकड़ बल्लेबाजी के साथ साथ घातक गेंदबाजी में भी माहिर खिलाड़ी है। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी का उतरना पक्का है, वहीं युवा मोहम्मद सिराज को भी टीम में मौका मिल सकता है। इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया था। स्पिनर की जिम्मेदारी सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन निभाते हुए नजर आ सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली दो खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। ईशांत शर्मा की गेंदों में वो धार नजर नहीं आ रही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। विपक्षी बल्लेबाज उनके खिलाफ जमकर रन बना रही हैं, इसलिए ईशांत शर्मा की जगह मोहम्मद सिराज को मौका दिया जाएगा और अजिंक्य रहाणे का बल्ला भी कुछ खास दिनों से शांत है, तो उनके बल्ले से रन नहीं आने की वजह से श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। खैर, आपको क्या लगता है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कौन से बड़े बदलाव होने चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।